गर्मी के मौसम में सफर ही दुश्वार होता है, लेकिन ये दुश्वारी और बढ़ जाती है जब आपके पास रखा बोतल का पानी गर्म हो जाए और हलक सूख रहा हो। लेकिन जमशेदपुर के कुम्हारों ने इस समस्या का समाधान निकाल दिया है। पानी शीतल रखने के लिए कारीगरों ने मिट्टी की पोर्टेबल बोतल बनाई है, जिसमें कैप भी लगी है, यानी अब बैग में ही समा जाएगा आपका देसी फ्रिज। पिछले 2 साल से तो सब दुकान बंद था, कुछ बिक्री हुआ नहीं, और जो भी माल बना था वही सब था, लेकिन इस बार नया माल में मिट्टी का बॉटल है, मिट्टी का जग है, और घड़ा सुराही जो मिलता है लोगों में वो तो अवेलेबल ही है हमेशा से। लोग बॉटल को ले जा रहे हैं, वो मतलब इजी टू कैरी है, यूटिलिटी उसका अच्छा है, उसमें कैप भी दिया हुआ है ताकि लोग उसको आसानी से ट्रैवल भी कर सकें, पानी उसमें ठंडा भी रहेगा। तो प्लास्टिक का बोतल पे जो प्रदूषण फैल रहा है, प्लास्टिक पे जो इतना ज़्यादा वातावरण खराब हो रहा है, तो ये भी नया चीज़ आया है तो हम लोग इसको पसंद किए। टूटेगा जान तो बचेगा, कम से कम जो प्रदूषण फैल रहा है उससे तो बचेंगे, और थोड़ा सावधानी से रखेंगे तो नहीं टूटेगा। इस पोर्टेबल देसी फ्रिज की खासियत और भी है। आकर्षक रंगों से इन पर ऐसी सजावट की गई है कि प्लास्टिक की कलरफुल बोतल भी इसके सामने फीकी पड़ जाए। इन बोतलों पर बनाए गए आकर्षक पेड़ पौधे पशु पक्षी लोगों को खूब अच्छे लग रहे हैं। ये जो है कंटिन्यू ठंडा ही रहता है, और इसको जो है शुद्धता के हिसाब से इसको पसंद कर रहा सब, बीमारी से बचने के लिए। प्लास्टिक जो है कोई ले जल्दी पसंद नहीं कर रहा है, सब कोई लोग जो भी देख रहा है एक बार जो है जरूर आ रहा है, पूछ रहा है, दाम तो है लेकिन फिर भी ले रहा है, क्योंकि ये बहुत नेचुरल होते हैं, ये नेचर मटेरियल से बने होते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स आर सो पॉइजनस डिजीज बिकॉज प्लास्टिक कैन मेक यू अनहेल्दी। कई शोध प्लास्टिक के बोतल के पानी से होने वाले नुकसान और मिट्टी के बोतल के पानी से फायदे की ओर इशारा कर चुके हैं। जहां प्लास्टिक की बोतल के कारण शरीर में पहुंचने वाले खतरनाक केमिकल, कैंसर और हार्मोनल प्रॉब्लम तक का कारण बनते हैं, वहीं मिट्टी के बर्तन से पानी से शरीर में मिनरल पहुंचते हैं। मिट्टी की बोतल है जो कि बायोडिग्रेडेबल होती है। बायोडिग्रेडेबल यानी मिट्टी की बोतल आप जब तक यूज़ कर सकते हो, उसके बाद वो मिट्टी में ही मिल जाएगी। ठीक में टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं जहाँ की मिट्टी में मिनरल्स रहते हैं, लेकिन इसमें भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मिट्टी के बोतल को हम लोग एक टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसको हम लोग एक्सपायरी होना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल सैकड़ों साल तक नष्ट नहीं होती, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जबकि मिट्टी की बोतल को डिस्पोज करना भी आसान होता है, जिससे ये इको फ्रेंडली भी है। इसका इस्तेमाल बढ़ने से कुम्हारों के ठप होते कामकाज में जान आ सकती है, इससे हम गरीबों की मदद भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी खरीदारी करें, और अच्छा चीज़ है ये। और फ्रिज में पानी ठंडा रखना पड़ता है, फ्रिज चालू करना पड़ता है, लेकिन ये मिट्टी का बोतल में पानी डालिए तो आप रूपी चालू रहे, ठंडा रहेगा ये। देसी फ्रिज के पोर्टेबल ना होने से आम लोगों को सफर में काफ़ी मुश्किल होती थी, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक में थोड़ा सा सुधार करके कुम्हारों ने न सिर्फ पारंपरिक कला को नए जमाने की कला बना दिया है, बल्कि राहगीरों की शीतल जय की चिंता भी दूर कर दी है। जितेंद्र कुमार, ईटीवी भारत, जमशेदपुर।